एक औरत की कई महीनों से पेंशन नहीं आई होती है, तभी एक पेंशन अधिकारी उस औरत को उसकी पेंशन दिलाने के लिए 10,000 रुपए रिश्वत मांगता है। वह औरत उसे बताती है कि उसका बेटा काफी बीमार है, वह उस पैसे में से रिश्वत नहीं दे पाएगी, लेकिन वह अधिकारी पेंशन देने के लिए नहीं मानता है। अगले दिन वह महिला अपने पड़ोसी डॉक्टर के साथ पेंशन अधिकारी के पास पहुंचती है, जहां वह डॉक्टर उस पेंशन कर्मचारी की शिकायत बड़े अधिकारी से कर देता है। उस पेंशन कर्मचारी को उस औरत को डर के कारण पेंशन देनी पड़ती है, लेकिन जब वह औरत पेंशन बाहर आकर गिनती है तो उसमें 20,000 रुपए कम होते हैं। वापिस जाने पर वह अधिकारी उस औरत द्वारा किए गए सिग्नेचर दिखाकर बाहर निकलने को कहता है। कुछ दिनों बाद उसी पेंशन कर्मचारी का बेटा चक्कर खाकर गिर जाता है और वही डॉक्टर उस लड़के का इलाज करता है, और वह डॉक्टर बताता है कि उसके लड़के को एक रेयर बीमारी हो गई है जिसके लिए उसे 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। तब उस आदमी को अपना वही 20,000 रुपए का धोखा याद आता है और वह उसी औरत के घर उसके पैसे वापस करने के लिए जाता है और पूरी बात बताता है, और वह औरत उसकी बात को सुनकर उससे पैसे नहीं लेती और बोलती है कि उस पैसे से वह अपने बच्चे का इलाज करा।